तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की दहलीज पर कदम रखने की? जानती नहीं, मेरा दूसरा बेटा नहीं है, एक था जिसे तुम खा चुकी हो। अब किसे खाने आई हो मुझे? अंकल प्लीज। अरे मैं तो अपने बेटे की जुदाई में वैसे ही मर चुका हूं, और क्या चाहिए? आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं अंकल। रवि बेघर हो गया था, मैंने तो सिर्फ उसे आसरा दिया था। आसरा दिया था, आसरा दिया था, या उसे अपने घर से अलग कर दिया था? एक बेटे को बाप के रहते यतीम बना दिया था, और मुझे मुझे औलाद के रहते बे औलाद कर दिया। तुम चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं तुम चली जाओ यहां से। मार दीजिए मेरी जान लेकर, अगर आपका कलेजा ठंडा होता है तो मार दीजिए मुझे गोली, लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ एक बार रवि से मिला दीजिए। मैं मिला दूं तुम्हें उससे? मेरे जख्मों पर लबक छिड़कने आई हो, मजाक उड़ाने आई हो मेरा? मुझसे पूछती हो कि रवि कहाँ है, जो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गया? नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। बेटा है आपका, वो मुझसे रूठ कर चला गया। मैं समझी थी शायद आपके पास आया होगा। क्यों आएगा मेरे पास? क्यों आएगा वो मेरे पास? क्या लगता हूं मैं उसका? एक लायक और नालायक बेटे में फर्क जानती हूं क्या होता है? एक लायक बेटा बाप की याद खाने के बाद और एक नालायक बेटा बाप की लात खाने के बाद भी नजरें नीची नहीं करता। वो नालायक बेटा ये भूल जाता है कि एक बाप अपनी औलाद को पालता है, आंधी तूफान के थपेड़े अपने सीने में सहता है, उसे बचाने के लिए उसकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत बनाता है, उसे नींदें देकर उसे अपनी गोद में सुलाता है, उसे जबान देता है, उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है। एक दिन वही नालायक बेटा उस बूढ़े बाप से उंगलियां छुड़ा कर उसकी बैसाखी भी छीन लेता है, ताकि वो बाप लड़खड़ा कर ना पड़े। अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए। और एक बात कह दूं तुमसे, जो बेटा अपने मां बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, तुम्हारा भी नहीं। अंकल शायद आप सही कह रहे हैं, और आपने जो मुझे बुरा भला कहा उसका भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। शायद यही मेरी किस्मत है, और आज के बाद मैं रवि को और नहीं ढूंढूंगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि रवि क्यों मुझे छोड़कर चला गया। उसे ये यकीन नहीं कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। Not possible? ये क्या कह रही हैं आप? ये जरूरी है, आप समझती क्यों नहीं? समझ तुम नहीं रही हो, मरना चाहती हो। मरना? Ultrasound test have revealed complications and they are dangerous. Abortion किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत कहिए। You have to face the truth. डॉक्टर और कोई रास्ता नहीं है? No, we can't terminate this pregnancy. ये बच्चा तुम्हें पैदा करना ही होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती। I can't do this.
But why? क्यों? क्योंकि इस बच्चे का बाप मर चुका है। आप यहां क्या करते हैं? आना पड़ा, बहुत दिनों से आप नहीं ना आए। अरे वो कहावत आपने तो सिखाई थी हमें, इफ मोहम्मद डजंट गो टू द माउंटेन, माउंटेन मस्ट गो टू मोहम्मद। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं। सब कुशल मंगल तो है? नहीं नहीं, सब ठीक है। नहीं रंजना जी, नहीं, सब ठीक तो नहीं है। देखो हम आज तक अपना कोई राज नहीं छिपाया, अपना हर टुकड़ा खुल के रो लेता हूं आपके सामने। क्या आप हमसे कुछ झूठ बोल रही हैं? नहीं गणेश जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। चलिए मान लेता हूँ झूठ नहीं बोल रही। अरे जब आपकी हर बात सच मानता हूं तो ये भी मान लेता हूं। लेकिन एक बात तो है, कोई परेशानी जरूर है। नहीं गणेश जी, कोई परेशानी। कहना चाहती हूँ कोई परेशानी नहीं है, और हम मान लूंगा। अरे हम जानता हूं परेशानी है, वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत भारी भरकम। नहीं गणेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो रंजना जी, आदमी घर से बाहर जाए और दरवाजा खुला छोड़ जाए, वो जल्दी में मुझसे भूल हो गई होगी। ऐसी कितनी जल्दी है रंजना जी? अरे कितने दिन हो गए आप हमारे यहाँ नहीं आए, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। तो ससुरा विनायक हमारे हर मंसूबे पे मिट्टी डाल गया, गमछे में गांठ की तरह बांध के चला गया, बस सब उलट पुलट हो गया। जानती हूँ गणेश जी, मैं भी आपके पास आना चाहती थी, लेकिन हालात ने मुझे आने नहीं दिया। अरे आपके हालात तो हम ठीक कर दूंगा, लेकिन हमारी परेशानी कौन समझेगा? कौन है हमारा आपके सिवा? है ना गणेश जी, जगन है ना। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? उस ससुरा सिर्फ हमारी लड़ाई बांटता है, हमारी भावना नहीं। आइंदा कभी अपनी तुलना उसके साथ मत कीजिएगा। उसे मेरे और आपके संबंध अच्छे नहीं लगते। अरे नहीं लगते तो जाए भाड़ में, कथा है वो पाजी है, बड़बड़ करता रहता है, सिर्फ चाकू छुरी चलाना जानता है, दिमाग नहीं है उसके पास। एक बात ध्यान से समझ लीजिए आप, इस जंग में अगर कोई हमारा है तो सिर्फ आप हैं। ये बात समझ ली ना आपने? अब अगर आप भी हमें अपना मानती हैं, तो बताइए क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी चिंता लगी है, आपका क्या होगा? अरे हमारी चिंता आप ना करें रंजना जी, हमारा जो भी होगा अच्छा ही होगा। पॉलिटिक्स में तो उधेड़ बुन चलती रहती है, एक दिन मामे का तो दूसरा भांजे का। प्रभुदास है ना, विनायक पे चिड़ गया है, हम जगने को भेज दिया गोटी फिट करने, हमें यकीन है मोरा हमारी तरफ हो जाएगा। मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छी लगती हैं आप। अच्छा हम चलता हूँ। और हाँ, अब क्या ज्वेलरी खत्म हो गया आपकी? नो गुल्टी पुल्टी। जय देवा। तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हम तुम सबको दो बहुत अच्छी खबरें देने वाले हैं। वाह मैम, सुनाइए। सबसे पहली खबर ये है कि हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं। Outdoor activity. Yes, yes. Indoor life is very monotonous. Yeah, relax. Before jumping to any conclusion,
Will you all listen to her, please? Yes. Sir, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे. लेकिन पहले हमारी बात तो सुनो. हाँ. We'll go for some outdoor excursion. What? 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 Sir, something like campfire. Haan, something sir. Like campfire. Sit down now. Miss Doshi, before they say anything else, please. जो खबर मैं सुनाने वाली हूँ, वो इन सब के मुकाबले में कुछ भी नहीं. ये बात क्या है? सबसे पहले बात ये है कि अंजलि. अंजलि, क्या हुआ अंजलि को? Well, sir, क्या हुआ अंजलि को? अंजलि बिल्कुल ठीक हो गई. Yes, sit down, sit down. Sir, लेकिन कैसे हुआ sir? Nothing short of a miracle. You know, affected areas को doctors isolate करने में कामयाब हो गए. As a result of which, very soon Anjali will be joining us. लेकिन सर वो कब आएगी? बहुत जल्द अविनाश, बहुत जल्द. इसी खुशी में हमें एक पिकनिक करनी चाहिए. Yes sir, right. एक पिकनिक तो होनी चाहिए. पिकनिक without Anjali? No. We are not going without Anjali. No. Yes sir, not without Anjali. In the meantime, दूसरी अच्छी खबर ये है कि हमें कॉलेज में फन फेयर लगाना है. फन फेयर? और फन फेयर एक किस्म की पिकनिक हुई. हाँ, तो सुनो, हमें फन फेयर लगाना है और पिन से लेके पिलर तक हर काम हमें खुद करना है. अरे नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे मैम. यस सर. अब तो हमें सिर्फ इतना बताइए हमें क्या करना है. यस, स्टॉल्स लगाने. नो प्रॉब्लम, बना देंगे मैम, बना लेंगे. फूड स्टॉल लगाना है. बड़ा मजा आएगा, खूब खाएंगे. अब एक ढापड़े चश्मी बैटरी खाएंगे नहीं, पका के खिलाएंगे और बेचेंगे. Am I right sir? Yes Avinash, for a change you are right. बात एक बात ये है कि फूड स्टॉल में जो फूड होगा वो तुम सब खुद प्रिपेयर करोगे. मैम मुझे तो गैस जलाने भी नहीं आती. अरे वो भी नहीं आता. कोयला जला ले. ए वो तो मैंने आज तक देखा भी नहीं. तो तू लकड़ी का चूल्हा जला लेगा. ए दी ए ए ए व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? यू वांट अविनाश. मैडम आप एक काम कीजिए, हमें गेम के स्टॉल्स दे दीजिए. सॉरी फोक्स, गेम स्टॉल किसी और क्लास को अलॉट कर दिए गए. तुम्हारी किस्मत में फूड स्टॉल आया. लेकिन सर हमें आइडियाज कुक करने के सिवा और कुछ कुक करना तो आता ही नहीं है. अविनाश फॉर अ चेंज सीख लो ना. ए शी तू क्या तू बड़ी बड़ी. अविनाश अविनाश देखो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, खाना लड़कियां बनाएंगी. थैंक गॉड. और हर लड़की को एक एक लड़का असिस्ट करेगा और हर काम में उसका मदद करेगा. मैडम लड़कों को लड़कियों का असिस्टेंट बनाकर आप मेल रेस के इंसल्ट कर रहे हैं. यू मे सर हमें मंजूर है. बॉयज आई होप आप लोगों को भी मंजूर है. वेल ठीक है सर, यू इंसिस्ट. यस सर. गुड, एवरीबॉडी स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर टीम्स. कम ऑन. यस ओके. सनी, गोपी, कार्तिक और अविनाश. होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट. Every team will have two girls and two boys. Miss Doshi? Yes. Does this mean I have to assist you? Absolutely. Oh, no. I don't think I can do all this. Mr. Hasan Ali, a rule is a rule. You really have no choice. Oh. I see. Should we go? Yes, yes. Please. रवि, गणेश जी आए थे, उलझने बढ़ा गए या मिटा गए ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक ऐसा आईना दिखा गए हैं जिसमें मुझे अपनी, तुम्हारी और उनकी शक्ल साफ दिखाई दे रही है. मैं कौन हूं, तुम कौन हो,
गणेश जी कौन है? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे, गणेश जी से? शायद मैं नहीं जानती, शायद मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा अपने आप से क्या रिश्ता है। जिंदगी मुझसे पूछती है, मैं जिंदगी से पूछती हूँ, क्यों लाई थी मुझे इस दुनिया में भटकने के लिए? मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, किसकी जिम्मेदारी हूँ? जो चाहती हूँ मिलता नहीं, जो नहीं चाहती मिल जाता है, क्यों? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं। तुम नहीं आए, नहीं आओगे, यकीन हो गया है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया रवि, लेकिन तुम नहीं आए। अब सोचती हूँ तुम्हारी निशानी रखकर भी क्या करूंगी। बिना बाप के नाम के बेटा नाजायज कहलाता है रवि, नाजायज। कम से कम उसे तो इस नर्क से छुटकारा दिला दो। मैं जा रही हूं रवि, अब अगर तुम लौट भी आओ तो मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि भावनाओं ने मचलना छोड़ दिया है और मैं दिल की दुनिया से बाहर आ गई हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। गुड बाय रवि, गॉड ब्लेस यू। जय देवा गणेश भाई। जय देवा। हुई भेंट प्रभुदास के साथ? जी गणेश भाई, भेंट भी हुई और प्रभुदास ने आपका दिया हुआ संदेश ध्यान से भी सुना, लेकिन अपनी नस पे हाथ रखने नहीं देता, बहुत पहुंची हुई चीज है। अरे जगनिया, इस बाजार में सब नंगे हैं, सब पहचाने हुए हैं, तू बस ये बता प्रभुदास और विनायक का कपड़ा क्या है। गणेश भाई, विनायक ने प्रभुदास को मंत्री बनाने का वादा किया था, पलट गया। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी बनाने का भी वादा किया, उसे भी मुकर गया। प्रभुदास इस वक्त बहुत तंगा हुआ है और मौके की तलाश में है। अरे मौका तो हम दूंगा ना उसे, तूने उसे हमारे तिजोरी का मुंह नहीं दिखाया। अरे गणेश भाई, तिजोरी का मुंह भी दिखाया था, लेकिन वो कहता है कि एक बार मैं मंत्री बन जाऊं तो तिजोरी का मुंह अपने आप खुल जाएगा। मैंने कहा कि गणेश भाई ने यही कहलवाया कि वो तुम्हें मंत्री बना देंगे, लेकिन उसे तो आप वाली मिनिस्ट्री चाहिए। कथा है ससुरा, अरे हम उसे मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तुम्हारी भेंट का बंदोबस्त कर। अरे गणेश भाई, ये खबर सुन के तो सर के बल दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हाँ तो जा जाके लपेट ले उसे, हमारी वाली मिनिस्ट्री चाहता है। अरे एजुकेशन मिनिस्टर तो हम बनूंगा, तब जाकर तो ससरी एक आठ खोलूंगा, नहीं तो तब तक हमारा दिन का चैन और रात के नींद दोनों हराम है। गणेश भाई, आपने बेफजूल में इतना कष्ट उठाया, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि उसका फ्यूज उड़ा देते हैं, लेकिन आप आजकल हमारी बात मानते कहां? अरे वो काट, तेरी बात मानने लायक हो तो मानो ना, फ्यूज उड़ा देते हैं, सीएम का फ्यूज उड़ाएगा, खुद तो अंदर जाएगा, हमें भी ले डूबेगा। बेटा उससे भेद का बंदोबस्त कर। आइए आइए रंजना जी, क्या बात है, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर ठीक नहीं भी हूँ तो बाद में हो जाऊंगी, शादी कर। आप शादी कर रही हैं? जी मैं शादी कर रही हूँ। किससे? आपसे और किससे? रंजना जी यार देखिए कैसे थक 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 कर रहा है, कोई और नाम ले लिया होता तो ससुरा बंद हो गया होता अभी। गणेश भाई, आपने इतनी जल्दी शादी का फैसला कर लिया? अरे ओ काश जल्दी, अब हर फैसला का तुझे पूछ के करूंगा। इतनी खुशी की खबर है और तुम मुझे आगे बैठा है, तो जा हमारी शादी की तैयारी कर। और सर ये खबर अभी किसी तीसरे को नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा मौका है कि हम बैंड बाजा नहीं बजवा सकता, जब तक हम ये गांठ नहीं खोल लूंगा तब तक बैंड बाजा नहीं बजेगा। एक बार एक गांठ खोल लूँ ऐसा बैंड बजवाऊंगा कि विनायक के कान फट जाए। जा। अरे कभी हंसा भी कर। क्यों आपको?